जमी पर पांव रहते हैं, जमी पर पांव रहते हैं, नजर नब तक ही जाती है। जमी पर पांव, और ये सभी के लिए है, ठीक, सभी लोग ये कोशिश करें कि अपने ख्वाब और अपने चीजें सपने ऊंचे करें। जमी पर पांव रहते हैं, नजर नब तक ही जाती है, चलू ले कर्म का थैला तो किस्मत मुस्कुराती है। जमी पर पांव रहते हैं, नजर नब तक ही जाती है, चलूं ले कर्म का थैला तो किस्मत मुस्कुराती है। डरूं क्यों ही मुसीबत से, डरूं क्यों ही मुसीबत से, जो है जानी न पहचानी, परेशान जब कभी होती, मदद तो चल के आती। इसके साथ मैं थोड़ा भारत अपने देश के लिए घराक्षरी सुनाना चाहूंगी, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा। देश का तिरंगा यदि चाहते हो विश्व में तो, देश का तिरंगा यदि चाहते हो विश्व में तो, जाति धर्म को समूल देश से मिटाइए। देश का तिरंगा यदि चाहते हो विश्व में तो, जाति धर्म को समूल देश से मिटाइए। सीखिए सिखाइए जी नए युग का ही ज्ञान, सीखिए सिखाइए जी नए युग का ही ज्ञान, पाखंड के जाल को भी जड़ से मिटाइए। करे जो नवीन शोध देश के विकास हित, करे जो नवीन शोध देश के विकास हित, ऐसे उपवन को ही देश में उगाइए। नई तकनीक चुन नए युग की ले धुन, नई तकनीक चुन नए युग की ले धुन, जन गण मन को ही विश्व से गवाइए। ये तो खैर हमारे भारत देश के लिए है। एक मैंने रचना लिखी थी, समय हो तो मैं सुनाऊं, लेकिन क्योंकि समय भी थोड़ा हमें लग रहा कम है, जो ये रचना है ये पता नहीं क्यों हर समय ये आ जाती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं भारत की, हमारे देश की, कि पता नहीं कौन सा समाज, कौन से लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और हम लोग को ये रचना दिल से निकल जाती है, ठीक है। आसिफा के समय सोची मैंने लिखी थी ये रचना, और मैं आप सभी से, सब यहाँ लेडीज कम हैं लेकिन जेंट्स जो भी हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि अपनी बहनों को, अपनी जो भी लेडीज आपके घर में हैं, तो उनको सपोर्ट करिए और उनको इस लायक बनाइए कि कोई भी जो अमानुष है, सभी मनुष्य होते हैं लेकिन कुछ दरिंदे होते हैं ना, तो उनसे आपको सचेत करना है, तो उनके लिए ये कविता है। उठ जाग अवनी रे ओ प्यारी, उठ जाग अवनी रे ओ प्यारी, क्या अभी तू अलसाई है। उठ जाग अवनी रे ओ प्यारी, क्या अभी तू अलसाई है। बंजर बनती अब कोक यहाँ पर, क्यों पट्टी आंख चढ़ाई। पोषक बन के पाली जिसको, पोषक बन के पाली जिसको, अब नाग वही बन जा बैठा, तेरी ही प्यारी ललना को ले दूर कहीं जा खन बैठा। अंजर पंजर सब दीख रहे, सब चीख रही है मानवता, क्यों बेबस सा अंबर बैठा, क्यों क्यों फैल रही है दानवता। कोमल से इन बाल मनों पर ये कौन आपदा आई है। और जाग बनी रे ओ प्यारी, क्या अब भी तू अलसाई है। दादी नानी की छोड़ कथा, दादी नानी की, अब आजकल बच्चे मोबाइल में क्या क्या देखते हैं भगवान जाने, ठीक, और उसी से बिगड़ते हैं। तो उसी सिचुएशन पे लिखा है, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को समझा सकते हैं, समझदार हैं आप लोग। दादी नानी की छोड़ कथा, अब युवा हुआ बचपन सारा, मायावी दुनिया जा बैठा है, खोज रहा वो जग न्यारा। नैतिकता का पतन हो रहा, चलचित्र सजे बाजारों में, हो रहा हनन संस्कारों का इन भौतिकवादी नारों में। अपनी अपनी ढपली वालों, अपनी अपनी ढपली वालों, ये कैसी आग लगाई है। तो जाग अग्नि रे ओ प्यारी, क्या अभी तू अलसाई है।
अब सोच में सृष्टि सारी है, अब सोच में सृष्टि सारी है, सच भूल कहीं कुछ भारी है, मानव दानव तो हर युग आया। अब सोच में सृष्टि सारी है, सच भूल कहीं कुछ भारी है, नर नारी दोनों हैं पूरक, पर नारी क्यों ये हारी है। दानव तो हर युग आया, दानव तो हर युग में आया, तू रूप बना अवतारी का, तू भूल रही क्यों पक्ष दूजा, कोमल तन की इस नारी का। ले तलवार काट दे गर्दन, करनी अब भरपाई है, उठ जा गवनी रे ओ प्यारी, क्यों अब भी तू वलसाई है। अब एक मैं सवैया पढ़ना चाह रही थी, एक गुरुकुल सवैया है, ठीक है, बैठ के, ये आप लोग के लिए है, ठीक, सभी के लिए है। कोई भी काम करने के लिए हमें बैठ के नहीं हम कर पाएंगे, कुछ ना कुछ हमें काम करना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा। बैठ के ही कहां से मिले मंजिलें, बैठ के ही कहां से मिले मंजिलें, चूमनी ही पड़े पांव को राघार, मोतियों की करे कामना जो हिया, खोजना ही पड़ेगा उसे सिंधु सार, भाग्य साथी उसी का बना है सदा, जो तपा है कहीं सूर्य सा बार बार, कंटकों से सदा कंटकों से सजाता सदा शीश को, आ मिले हैं उसी व्यक्ति को पुष्पहार, आ मिले हैं उसी व्यक्ति को पुष्पहार। थैंक यू।